उत्तराखंड में लंबे इंतजार के बाद मंगलवार को चंपावत विधानसभा सीट पर वोटिंग हो रही है। सुबह से हो रहे मतदान में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। वहीं वोटिंग को लेकर सुरक्षा व्यवस्था भी सख्त कर दी गई है। चंपावत विधानसभा सीट पर उपचुनाव का इंतजार सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश को था, क्योंकि इसी सीट पर उपचुनाव के बाद उत्तराखंड के सीएम के भाग्य का फैसला होगा, क्योंकि उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी को सीएम पद की कुर्सी पर बरकरार रहने के लिए ये चुनाव जीतना बड़ा अहम है। लेकिन सीएम पुष्कर सिंह धामी के लिए ये राह इतनी भी आसान नहीं है, क्योंकि सीएम धामी को कांग्रेस की उम्मीदवार निर्मला गहतोड़ी कड़ी टक्कर देती नजर आ रही हैं। लिहाजा वोटिंग के समय सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत में बनवासा के एक मतदान केंद्र पहुंचकर मतदाताओं से मुलाकात की और मतदान केंद्र का जायजा भी लिया। आपको बता दें कि वोटिंग शाम 5 बजे तक होगी और नतीजे 3 जून को आएंगे। उत्तराखंड में फरवरी में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 70 में से 47 सीटें जीतकर प्रदेश में लगातार दूसरी बार सरकार बनाने की उपलब्धि हासिल की थी, लेकिन जीत की अगुवाई करने वाले धामी खुद खटीमा से चुनाव हार गए। हालांकि उत्तराखंड फिर मांगे मोदी धामी की सरकार के नारे पर विधानसभा चुनाव लड़ने वाली बीजेपी ने दोबारा धामी को ही मुख्यमंत्री बनाया। धामी के मुख्यमंत्री बने रहने के लिए शपथ ग्रहण करने के 6 महीने के भीतर उनका विधायक चुना जाना जरूरी है, इसलिए वह चंपावत से उपचुनाव लड़ रहे हैं। धामी ने 23 मार्च को दूसरी बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद के रूप में शपथ ली थी। उनके उपचुनाव लड़ने का रास्ता साफ करने के लिए कैलाश गहतोड़ी ने 21 अप्रैल को चंपावत के विधायक पद से इस्तीफा दे दिया था। राज्य की एकमात्र सीट के लिए 26 दिनों तक चुनाव प्रचार चलता रहा। 96,213 वोटर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित 4 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। यहां से बीजेपी के पुष्कर सिंह धामी, कांग्रेस के निर्मला गहतोड़ी, सपा के मनोज कुमार भट्ट और निर्दलीय हिमांशु चुनावी मैदान में हैं। लेकिन जनता किसे अपना नेता चुनती है ये तो आने वाले 3 जून के नतीजे ही तय करेंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।